जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब के स्थापना दिवस कार्यक्रमों की कड़ी में बुधवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधायक कालीचरण सराफ, विधायक बाल मुकुंदाचार्य और विधायक गोपाल शर्मा ने शिरकत की है। कार्यक्रम में गुलदस्ता भेंट कर पिंक सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौड़ और महासचिव योगेंद्र पंचोली ने अतिथियों का स्वागत किया है। कार्यक्रम में पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले पत्रकारों का साफा पहनाकर और शॉल उड़ाकर प्रशंसनीय पत्र देकर सम्मानित किया गया है। सम्मान समारोह में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा को बेस्ट एडिटर, प्रभात शर्मा को बेस्ट एंकर और सुशील यादव को बेस्ट कैमरामैन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी सम्मानित होने वाले पत्रकारों को शुभकामनाएं दी और कहा कि पत्रकार लगातार अपनी मेहनत और लगन से काम करते रहे, आगे भी अन्य पत्रकारों को सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने काम किया उन्हें याद करने की जरूरत है, क्योंकि हम उनका स्वतंत्र भारत का वो सपना पूरी तरीके से साकार नहीं कर सके। हालांकि देश में आने वाली सरकारों ने इस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। लेकिन अपनी विपक्षी विचारधारा के लोगों की बात को भी उसी गंभीरता के साथ में सुनना और उनकी बात को अपने प्रतिक्रमण, व्यक्तिगत प्रतिक्रमण, आचार और व्यवहार में प्रतिक्रमण के एक अवसर के रूप में देखना, ये निश्चित ही एक बहुत बड़े हम सब लोगों के प्रेरणा के लिए का विषय है। मित्रों, आज ऐसी परिस्थिति में हम सब लोगों को काम करने का अवसर मिला है जब हमारा देश परिवर्तन के रास्ते से गुजर रहा है और हम सब देख रहे हैं, पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आज आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद में जिस अमृत काल में भारत ने प्रवेश किया और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत आज एक अनूठी दर से गति से प्रगति करते हुए पूरे विश्व के लिए एक आकर्षण और कौतूहल का केंद्र एक बार फिर बन रहा है। आज मैं ये नहीं कहूंगा इस मंच पर खड़े होकर के कि पिछले 10 साल में ही सब कुछ हुआ होगा, आजादी के बाद में सभी सरकारों ने अपनी अपनी तरफ से योगदान किया, लेकिन निश्चित ही इस 75 साल बीत जाने के बाद में हम सब के लिए ये एक आकलन का अवसर अवश्य है जब हम इस बात पर विचार करें कि भारत को जिन लोगों ने आजाद कराया, अपने आप को जिन्होंने समर्पित किया, जिन्होंने भारत की